बिहार इलेक्शनের রূপকর্তা দেবেন্দ্র জি, আপ বিহার ইলেকশন মে এক বড়ে অহম ভূমিকা নিভায়ে থে। বিহার ইলেকশন আর বাঙ্গাল ইলেকশন মে ক্যা ফর্ক? দেখে কোই বহুত ফর্ক নেই নজর আতা। জেসে বিহার মে ভি মোদি জি কে এক লহর নজর আতা থা और लोगों ने मन बना लिया था कि मोदी जी के लिए फिर एक बार उस सरकार को लाना है। वैसे ही यहाँ परिवर्तन का मन लोगों का दिखता है। लोग ये मानते हैं कि देश को जिस प्रकार से मोदी जी आगे लेकर जा रहे हैं, बीजेपी जिस प्रकार से आगे लेकर जा रही है, अब बंगाल भी उसमें साथ में आना चाहिए, ये मानसिकता लोगों की दिखती है। जय श्री राम नारे को लेकर यहाँ पे बहुत दिक्कत है, मतलब सब मुख्यमंत्री खुद बोलते हैं जय श्री राम नारे हमारे बंगाल के संस्कृति नहीं है, क्या आप ये मानते हैं? मैं तो ऐसा मानता हूँ कि प्रभु श्री राम इस देश की संस्कृति है और हमारे तो मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम, इस प्रकार से हम लोगों ने अपने संस्कार को खड़ा किया है। रामायण और महाभारत इस देश की ऐसे ग्रंथ है जिन्होंने हमें जीने की राह सिखाई है, तो फिर जय श्री राम नारे से मुख्यमंत्री जी को इतना परहेज क्यों है? और जय श्री राम का नारा बंगाल में नहीं लगेगा तो क्या बांग्लादेश में लगेगा? और इसलिए मुझे लगता है कि बिल्कुल गलत बात है और जय श्री राम के नारे से किसी को गुस्सा आना ये इस देश के अंदर तो मैं नहीं समझ सकता। सर ये बात है कि कल प्रधानमंत्री जी ने एक अहम बात बोली, आशोल परिवर्तन, रियल चेंज क्या है? क्योंकि जब 2011 में मुख्यमंत्री आए थे ममता जी तो तब वो बोले थे परिवर्तन, अब सुनने आ रहा है आशोल परिवर्तन। देखिए एक होता है राज का परिवर्तन, एक होता है समाज का परिवर्तन। हम राज नहीं समाज को परिवर्तित करने चाहते हैं। समाज के परिवर्तन का अर्थ ये होता है कि समाज का जो आखिरी आदमी है, जो किसान है, जो मजदूर है, जो पिछड़ा है, ऐसे सभी के जीवन में जिस समय परिवर्तन आता है उसको असली परिवर्तन कहा जाता है। और देश में मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार का कार्य चल रहा है उसमें जो समाज का आखिरी व्यक्ति है, अंत्योदय जिसको हम कहते हैं, उसी परिभाषा को आज परिभाषित करने का काम मोदी जी के माध्यम से हो रहा है, तो बंगाल में भी हम लोग यही करना चाहते हैं। कितने सीटों से जीतने के प्रयास है आप लोगों का? ये देखिए मैं तो इतना मानता हूँ कि एक अभूतपूर्व विजय यहाँ होगी, अभूतपूर्व। आखिरी सवाल, अगर कुछ कहना चाहते हैं आप TV9 के थ्रू ममता जी को, वो क्या होगा? मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सभी को अपने अपनी बात कहने का अधिकार मिलता है, तो जिस प्रकार की गुंडागर्दी हमको यहाँ देखने को मिलती है, जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ता ऐसे, देखिए ये तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा केरल और बंगाल ये दो चीज जगह ऐसी है जहाँ हमारे कार्यकर्ताओं को बहुत सहन करना पड़ता है, उनको मार दिया जाता है अपनी बात कहने के लिए। तो जब आप डेमोक्रेसी की गुहाई देती है तो फिर ये क्यों होना चाहिए? और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम ये कहते हैं कि सर्वधर्म समभाव, उसमें जय श्री राम के नारे पर इतना गुस्सा क्यों आना चाहिए?